यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। वार्ड नंबर 5 की वार्ड पार्षद प्रत्याशी व पूर्व मुखिया नीरा देवी के चुनावी जनसंपर्क अभियान में लोगों की जनसैलाब उमड़ पड़ी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह चुनावी जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि विजय जुलूस है। इस दौरान नीरा देवी के समर्थकों ने ढोल नाल व तरसों की थाप पर जमकर ठुमके भी लगाते नजर आए। समर्थक नीरा देवी जिंदाबाद, आपका वार्ड पार्षद कैसा हो, नीरा देवी जैसा हो के नारे लगा रहे थे। आज हम लोग द्वारा के पूरे पंचायत में पोखरा से स्टार्ट करके पूरा ले लोग कुसुमटर और पोखरा यहाँ बहरा अपना पहले ये ग्रामीण क्षेत्र था, अब नगर निगम ले लिया, कितना खुशी की बात है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग नगर निगम में चले गए वार्ड नंबर 5। और पहले हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र था, जो भी हम लोग का पहले फंड आया और हम लोग सब मिलजुल कर उसका विकास किए और जो अभी अधूरा काम है जो वार्ड अति में से नगर निगम में आया तो हम लोग उसको सब मिल के जो बाकी उसको विकास के आगे ले जाएंगे। कौन सा ऐसा काम बच गया है पंचायत में कि वो सबसे पहले नगर निगम में आप अगर जीतते हैं तो पूरा करेंगे? हम लोग का अभी यहाँ सबसे पहले तो पानी, यहाँ कहीं कहीं पानी का बहुत जरूरत है तो हम लोग सप्लाई वाला पानी सबसे पहले यहाँ पानी करवाएंगे। और बिजली भी मतलब ठीक ठाक से है लेकिन कभी कभी काट देते हैं, मैंने कि यहाँ कंट्रोल बिजली पानी और कहीं कहीं सड़क ये सब है वही सब। सबसे पहले महिला लोग को जागरूक करना है, महिला लोग को कुछ कढ़ाई बुनाई का काम जो घर से बाहर ना जाती है वो सब घर पे ही रहे अपना यहीं कुछ कार्य करें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील यही करना चाहूँगी कि पहले भी जैसे हमको आशीर्वाद और प्यार दे के आगे बढ़ा रहे हैं और यही मैं उससे दुआ मांगूँ कि आगे भी मेरा साथ इसी तरह दे। लोगों का साथ अच्छा है, यंग जनरेशन है हमारे जो वार्ड में, जो हमारे वार्ड पार्षद जो तैयारी में है वो अच्छा एजुकेशन से भी हैं, शिक्षित हैं और यंग जनरेशन होने के साथ साथ जो यंग की ज़रूरत है उसके अनुसार बातचीत को काम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जहाँ तक विकास की बात रही, जो विकास में जो कार्य जो होता है और जिस कार्य को किया जाता है उसके तहत हमारी भावनाओं को, हमारे कामों को और जो हमारा उद्देश्य है उस चीज़ को पूरा सुनते हैं, अपने विचार में अपने साथ रखते हैं और गांव के विकास से और तो शहरी क्षेत्र आ गया है, अब देखते हैं जिस तरह से आगे काम किए हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। हम साथ हैं, पोखराहा वार्ड की जनता इनके साथ है, लगभग 100% नहीं 110% है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और इस चुनाव में सबसे सफल उम्मीदवार हमारे ये नीरा देवी जी हैं। ये वार्ड की जनता उनके साथ में है। मिल रहा है बताइए रुझान तो हम लोग 100% चुनाव जीत रहे हैं, पूरे पब्लिक का जन समर्थन है, हर जाति हर समुदाय हर धर्म का अपार समर्थन हम लोग को मिल रहा है। उस तरह से हम देख रहे हैं कि हम 20 तारीख को हम एक विजय जुलूस निकालेंगे जिसमें पुनः जिस तरह से हम नॉमिनेशन में किए थे जो आज हमारा जुलूस निकला है उसी ढंग से सारे लोग हमारे साथ रहेंगे, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत खुशी है लोगों में, सबसे पहले ये खुशी है। मैं मुख्तार अंसारी इस पंचायत का पूर्व उप मुखिया बोल रहा हूँ और यहाँ पहले तो ग्रामीण क्षेत्र था और अब जो नगर निगम में ले लिया गया है तो इससे मेरे लोगों को काफ़ी उत्साह है और खुशी है। और पहले भी मुखिया पद पर रह चुकी है और इससे पहले भी प्रमुख पद पर रह चुकी है और इसके कार्य को जनता ने सराहा है और पुनः जनता चाह रही है कि ये जो ऐसे वार्ड कमिश्नर बने और भारी मतों से जीत रही है। इसमें जनता का बहुत बड़ा समर्थन है यहाँ पर और जो विकास कार्य जो अधूरा रह गया है ना उसको पूरा करने का पूरा संकल्प लिए हैं
और जनता भी संकल्प लिए हैं कि इनको जो ऐसे हम पुनः बैठाएंगे कुर्सी पर और जो अधूरा काम है उसको जैसे पूरा करेंगे हम। जैसे ऐसे भी तो बहुत ही लगभग मैंने वृद्धा पेंशन हो, पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, इन्होंने लगभग पूरा कर दिया है। और अपवाद में नहीं कहा जा सकता किसी का छूट गया हो तो इस चुनाव के बाद जो है कुर्सी पर बैठती है तो वो कार्य को पूर्ण करेगी। चुनाव जीतने के बाद तो बहेंगे, पूर्व में जो मुखिया थे उसमें विकास के मामले में अदर पंचायत प्रखंड में पहला नाम है इनका, जो पोखरा खुर्द का पंचायत के जो मुखिया तो विकास में पहला स्थान रखी अपने क्षेत्र में। और आगे चुनाव 20 तारीख को पता चल जाएगा कि विजय जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं और खुशी की बात है।